एक्सक्यूज मी, yes? मुझे शीतल से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? अपॉइंटमेंट? तारा, मैं गायत्री हूँ। गायत्री, आप अचानक कैसे आ गई? अब दर्पण छोड़कर लिपस्टिक ज्वाइन करने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं तारा, लिपस्टिक में तुम ही ठीक हो। शीतल ने मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू? ओ यस यस, तुम फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी हो ना? छोटे मोटे? नो वे, मैंने तो हमेशा मेन रोल किया है। सुनीति का रोल भी तो मेन रोल ही था। पर शीतल ने तो मुझे नहीं बताया। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट बात भी नहीं है ना, भूल गई होगी, इसलिए तो वो बाहर चली गई। बाहर गई है? तुम्हारा मतलब है शीतल इस वक्त लिपस्टिक में नहीं है? वही तो मैं कह रही हूँ। कमाल है, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत। क्या होगा लिपस्टिक का, दर्पण में तो ऐसा कभी नहीं होता। एनीवे, शीतल का कैबिन कहाँ है? आपकी मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में, और कॉन्फ्रेंस रूम वहाँ है। ठीक है, मैं वहीं बैठकर शीतल का इंतजार करती हूँ। वैसे भी स्टाफ के साथ खड़े रहने की आदत नहीं है मुझे। कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे लिए एक कप कॉफी भेज देना, चीनी कम। थैंक यू। ये तो बहुत बदल गई है, किसी भी एंगल से सुनीति मासी नहीं लगती। 45 मिनट हो गए हैं, अब शीतल आती होगी। सोच रही होगी कि मैं उसके इंतजार में कितनी बेजार हो रही हूँ, उल्टा मैं तो उससे मिलने के लिए उतावली हूँ। क्योंकि मैं जानती जो हूँ कि शीतल जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ नाटक। बिल्कुल नहीं बदली हो गायत्री, या फिर सुनीति ही कहूँ। शीतल, तुम मुझे मिसेज गायत्री अभय अहूजा कहो। सॉरी, मिसेज गायत्री अभय अहूजा। तुम्हारा तो तलाक होने वाला है ना वैसे? लेकिन तुम्हारा तो हुआ नहीं। फिर भी तुमने शादी कर ली, अब तो तुम्हारी दो दो पति हैं, एक अभय और एक कुमार। पता नहीं शीतल तुम्हारा क्या होगा, क्या करोगी तुम? सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि इंटरव्यू मैं लेने वाली हूँ। तो पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें? यही ना कि तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारी बेटी कैसी है? गायत्री। सच कहूँ शीतल, तुम्हारे इन सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं नहीं जानती तुम्हारा पति और तुम्हारी बेटी कैसी है। हाँ, अगर तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि सुनील कैसा है, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। सुनील? हाँ, सुनील सब्रवाल, मेरा प्रोड्यूसर, जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो शीतल, जिसने ये इंटरव्यू अरेंज किया है। हाँ जानती। बस बस, और कितना जानती हो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आदमी है बड़ा दिलचस्प, और उसे भी उसी बात का इंतजार है शीतल, जिस बात का तुम्हें इंतजार है। किस बात का? मेरे तलाक का। लेकिन घबराओ मत, ना ही वो मुझसे शादी करने वाला है और ना ही मुझे सुनील में कुछ इंटरेस्ट है। एक शादी हैंडल नहीं कर सकती मैं। लेकिन शीतल, पता नहीं तुमने तीन तीन शादियां कैसे हैंडल की। पर अफसोस, तीन शादियां होने के बावजूद भी आज भी तुम बे औलाद हो। मैं बे औलाद नहीं, तृप्ति मेरी बेटी है। हाँ, माँ हो तुम शीतल, इसलिए तो मुझे तुमसे इतनी हमदर्दी हो रही है। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ शीतल, मैंने फैसला किया है कि मैं अभय को तलाक दे दूंगी, आजाद हो जाऊंगी इस जिंदगी से और फिल्मों में काम करूंगी। और बहुत जल्द तृप्ति तुम्हारी गोद में खेलेगी शीतल। तुम सच कह रही हो? मैं झूठ बोलूंगी, और वो भी तुमसे? नहीं शीतल, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कितना कुछ दिया है तुमने मुझे, सुनीति का पात्र निभाने का मौका दिया,
मेरी कला को परवान चढ़ाया, तुम्ही ने तो मुझ में इतना इतना आत्मविश्वास जगाया है शीतल, कि मुझे पूरा यकीन हो गया है मेरा हीरोइन बनने का सपना जरूर पूरा हो जाएगा। और वो अभय, वो अभय से प्यार, गृहस्थी संभालना, वो सब क्या था? कम ऑन शीतल, वो भी मेरा एक किरदार था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब देखो ना, मैं ठहरी तमाशा में नाचने वाली, मुझे तो आदत है अपनी अपनी हर अदा पर दाद सुनने की। ये गृहस्थी, ये बच्चा, ये घर, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती शीतल। और अभय जबरदस्ती मुझे अपनी बच्ची की माँ बनाना चाहता है जिसे मैंने जन्म दिया ही नहीं। वैसे सुनील तो कहता है कि मैं किसी भी एंगल से माँ तो नहीं लगती। सही कहता है, तुम माँ किसे लगोगे? तुम माँ हो ही नहीं। हाँ शीतल, माँ तो सिर्फ तुम हो, और बहुत जल्द तुम्हारी बच्ची तुम्हारी गोद में खेलने वाली है। बस एक बार ये फिल्म शुरू हो जाए। वैसे कब शुरू हो रही है तुम्हारी फिल्म? मैंने तुमसे कहा ना, जैसे ही अभय और मेरा तलाक हो जाएगा मेरी फिल्म शुरू हो जाएगी। यहाँ मेरा तलाक हुआ नहीं और वहाँ सुनील ने फिल्म शुरू कर दी। बस जैसे ही फिल्म शुरू हो जाएगी अभय तुम्हें तृप्ति सौंप देगा। शीतल, अगर तुम चाहो तो मैं वकील साहब से ये सारी बातें कह दूं। हाँ कह दो ना। शीतल, बदले में तुम मेरे लिए सिर्फ इतना कर दो, लिपस्टिक पे मेरी तारीफ में कुछ अच्छा लिख दो और मेरी एक बढ़िया सी तस्वीर छपवा दो, बस, ताकि मैं जल्द से जल्द बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊं। डोंट वरी गायत्री, तुम बहुत जल्दी बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी, और तुम्हें भी बहुत जल्दी अपनी बच्ची मिल जाएगी। और फिर अभय का क्या होगा? रह जाएगा अकेला सुनीति की यादों के साथ। अब वैसे सुनील आ रहा है ना तुम्हारे लिए? हाँ आ रहा है। तुम प्रेग्नेंट हो? तुम अभय के बच्चे की माँ बनने वाली हो? इसका मतलब ये सब जो तुम मुझसे कह रही थी वो सब झूठ था? ना तुम्हारा और अभय का तलाक होने वाला है और ना तृप्ति। हंस रही हो? मुझे बेवकूफ बनाकर तुम हंस रही हो? बेवकूफ बना दिया ना तुम्हें बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है शीतल, मैं प्रेग्नेंट हूं, वो भी अभय के बच्चे की मां बनने वाली हूं? नेवर शीतल, नेवर। तो फिर ये क्या था? ये सब तो एक्टिंग थी। एक्टिंग? हाँ, मेरे एक्टिंग का नमूना, तुम्हें डराने के लिए। क्या? ऑफ कोर्स, या यूं कहूं कि मुझे सिर्फ ये देखना था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है या नहीं। लेकिन शीतल, मुझे तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम्हें अब तक मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। कम ऑन शीतल, अगर ये सच होता, अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो क्या मैं यहां तक आती? क्या इतनी देर तुम्हारा इंतजार करती? क्या इंटरव्यू के लिए राजी होती? सोचो शीतल, थिंक। मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? कम ऑन शीतल, तुम्हें अभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? तुम्हें क्या लगता है जिस आदमी से मेरा तलाक होने वाला है मैं उसके बच्चे की माँ बन सकती हूँ? शीतल, अब इतने सालों बाद मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, क्या मैं इतनी नादान हूँ कि इतना बड़ा इतना अच्छा मौका गवा दूँ? नहीं शीतल, हीरोइन सिर्फ फिल्मों में प्रेग्नेंट होती है, रियल लाइफ में नहीं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसका मतलब मैं वाकई बहुत अच्छी अभिनेत्री हूँ, है ना? वो तो तुम हो। तो फिर ये अभिनेत्री भी तुमसे वादा करती है कि वो प्रेग्नेंट कभी नहीं होगी। ये माँ बनना तुम्हें ही मुबारक हो शीतल। इतनी जल्दी नहीं, मुबारकबाद तो मैं तुम्हें उस दिन दूंगी जिस दिन तृप्ति तुम्हारी गोद में खेलेगी। उसी दिन के इंतजार में तुम्हें जी रही हूँ। क्यों शीतल, उस दिन के बाद तुम मर जाओगी? गायत्री, अब रिलैक्स शीतल, टेक इट इजी।
मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। चलती हूँ। हीरोइन बनना इसके लिए इतना जरूरी है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैं क्या कर रही हूँ? मंथली फिगर की जगह मैं ईयरली फिगर लिख रही हूँ। मुझे क्या हो गया है? जब से तरुण सर के घर से आई हूँ, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। क्या मतलब था शीतल मैम की उन बातों का? वैसे ये तुम्हारी कौन है? ये अंजलि है। अंजलि, तारा से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। अंजलि या शीतल दी है। नमस्ते। अब समझे जी, तुम्हें सुनिधि की काफी झलक है, तभी तो इतने जल्दी से तुम्हें सुनिधि की जगह मिल गई दर्पण में। और अब तुम घर भी चली आई। ये खुशी से मिलने आई है। अच्छा इत्तेफाक है ना, सुनिधि भी इस घर में खुशी की वजह से आई थी और तुम्हारी पत्नी बन बैठी। अच्छा इत्तेफाक है, सुनिधि भी इस घर में खुशी की वजह से आई थी और तुम्हारी पत्नी बन बैठी। ये लो बना, जस्ट गो थ्रू इट और उसे प्रिंट के लिए भिजवा देना। गायत्री का इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा। इनफैक्ट जैसे मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा। लेकिन मैम, ये आर्टिकल तो गायत्री के इंटरव्यू के बारे में है ही नहीं। तो फिर किस बारे में है? तारुण और अंजलि पर, उनके अफेयर के बारे में, जो मुझे इनफैक्ट लिपस्टिक को काजल के थ्रू पता चला। आप इसे इतने जल्दी पब्लिश करना चाहती हैं? ये हॉट न्यूज है विनय। इनफैक्ट हमें तो इसके लिए एक स्पेशल इशू निकालना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, पर फिर वो गायत्री का आर्टिकल? वो आर्टिकल अभी पूरा कहाँ हुआ है तारा? उस आर्टिकल को पूरा होने में देर है, तलाक होना बाकी है। फिल्म का मुहूर्त होना बाकी है। ये सब हो जाए, आर्टिकल पूरा हो जाएगा और फिर उसके लिए भी हम एक स्पेशल इशू निकालेंगे इस इशू के बाद। प्लानिंग तो बहुत अच्छी है आपकी। पहले दर्पण के स्टाफ के बारे में, फिर दर्पण के एक्स स्टाफ के बारे में इशू, रीडर्स का इंटरेस्ट बना रहेगा। ब्रिलियंट तारा, तुम तो बहुत जल्दी सब कुछ समझ गए। लेकिन लगता है विनय कुछ नहीं समझा। हाँ जी। आओ विनय, चलो चलो। अच्छा है, आई लाइक दैट। जिसे पाना है उसका हाथ पकड़ के ले जाना चाहिए अपने साथ। ब्रिलियंट काजल, काजल बस कर, और कितना रोएगी तू? मत पूछिए ना सुबह दीदी, और भी बह निकलेंगे। तो रोक अपने इन आंसुओं को। कैसे रोकूं दीदी, कैसे रोकूं मैं? विश्वास से। विश्वास? हाँ काजल, तू भी तरुण पर विश्वास कर जैसे मुझे उस पर विश्वास है। आपको तरुण पर विश्वास है? हाँ काजल, वो तेरा पति है, और जब एक पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं रखती तो उसे क्या सजा मिलती है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं दीदी, उस लड़की को मैं तरुण की जिंदगी से दूर करके ही रहूंगी। शीतल दी ने मुझसे कहा है कि वो लिपस्टिक में सब कुछ छाप देगी। क्या क्या कहा तूने? हाँ, ताकि उस लड़की को ये पता चल जाए कि मैं तरुण की पत्नी हूँ।
उसके बच्चे की माँ मैं हूँ और वो कुछ भी नहीं है। और जब तेरे पति को पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके बारे में क्या सोचती है, उसके बच्चे की माँ उसके बारे में क्या सोचती है, तो उसे कितनी चोट पहुंचेगी। ये तूने क्या कर दिया काजल? तो मैं क्या करती सुमन दीदी, चुपचाप बैठी रहती? उस लड़की को मेरा पति मुझसे छीन लेने देती? काजल, तरुण सिर्फ तुझसे प्यार करता है। तेरे प्यार के लिए उसने सुनीति के प्यार को भुला दिया, शादी की है उसने तुझसे, और तुझे धोखा देने के लिए उसने सुनीति की यादों से बेवफाई तो नहीं की है ना सुमन दीदी? काजल, अब भी देर नहीं हुई है, तू अपना पत्नी धर्म निभाती रहे। वैसे तुझसे एक बात पूछूं मैं? क्या? तेरा पति तुझे अपने करीब तो लेता है ना? आपका मतलब है? हाँ काजल, जब एक पति किसी दूसरी औरत को अपने करीब लेता है तो पत्नी को सबसे पहले पता चल जाता है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ दीदी। मैं तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। काजल पे तुझे और क्या सबूत चाहिए? तरुण सिर्फ तुझसे प्यार करता है। तो फिर वो लड़की क्यों मिलने आती है उससे? काजल, वो लड़की तो क्या, और कोई लड़की भी आ जाए फिर भी तरुण तेरा है और सिर्फ तेरा ही रहेगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि अब अगर सुनीति भी वापस आ जाए फिर भी तरुण तेरा ही रहेगा। मुझे शीतल दी को रोकना होगा, उसे मना करना होगा कि वो लिपस्टिक में ऐसा कुछ नहीं छापे। मैम वो आपका फोन जानते हैं, काजल का है। तारा, जाके फाइंड आउट करो विनय ने आर्टिकल प्रेस के लिए भेजा कि नहीं, तभी तो मैं काजल को गुड न्यूज दे पाऊंगी। जी अरे वो तो मेरा फोन ही नहीं ले रही है। थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करना। Oh God. क्या हुआ? जी कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं हुआ? तुम अब तक शीतल दी की बातों के बारे में सोच रही हो है ना? मैं जानता हूं तुम जैसी लड़कियां ऐसी बातों से कितना डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन शीतल दी की तो पुरानी आदत है दूसरों के घर में आग लगाने की। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे घर में आग क्यों लगा रही है। वो तुम्हारे घर पे नहीं, दर्पण में आग लगाना चाहती है। तरुण, दर्पण में? हाँ तरुण, अंजलि दर्पण के लिए क्या है शीतल अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए काजल के दिल में अंजलि के खिलाफ शक पैदा करना चाहती हो ताकि तुम्हें मजबूरन अंजलि को निकालना पड़े दर्पण से और फिर वो अंजलि को लिपस्टिक में रख ले, ठीक उसी तरह जिस तरह जगन लूथरा ने सुनीति को रखा था। लेकिन तुम ऐसा कभी करोगे नहीं तरुण। बिल्कुल नहीं अंजलि, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा ताकि हम दोनों मिलकर काजल की गलतफहमी दूर कर दें कि हम दोनों के बीच में कुछ है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। क्या मतलब? सर, जो मैंने अपराध किया ही नहीं उसकी सफाई मैं किसी को क्यों दूं? मैं नहीं चल सकती आपके साथ सर, और इसके बाद अगर आप चाहें तो मुझे दर्पण से निकाल सकते हैं।